हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं जो शायद आपको पहले से पता ना हो। तो क्या आप जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में यदि कोई फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का नाम कौन नहीं रख सकते? आप कभी भी अपने द्वारा बनाए गए फोल्डर का नाम कौन रखोगे तो आप देखोगे कि वहां पर एक एरर जनरेट होगी जो शो करेगी कि आप कौन नाम का फोल्डर नहीं बना सकते। तो एक बार उसको देखते हैं कि क्या हम वाकई में कौन नाम का फोल्डर बना सकते हैं या नहीं। तो अगर हम स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे, आपको पता होगा कि जब भी हम कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शन पर जाते हैं और न्यू ऑप्शन पर जाने के बाद फोल्डर को क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आपका एक फोल्डर क्रिएट होता है, लेकिन हम इस फोल्डर का नाम कुछ भी रखेंगे एक्स वाई जेड, तो आप उसको वो उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि हमने इसका नाम रखा एक्स वाई जेड, तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम इस फोल्डर का नाम कौन रखें CON, तो आप देखोगे कि ये कौन नाम को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब हम कौन लिखेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। तो देखते हैं, जैसे कि हमने इस पर राइट क्लिक किया, हमने रिनेम किया। देखो जरा ध्यान से, हम लोग विंडो 11 पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर रिनेम का जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है क्योंकि अगर आप विंडो 10 चला रहे हो तो आप शो मोर पर यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हमें लास्ट में ऑप्शन जरूर मिलता है रिनेम का। तो आप राइट क्लिक करें, वहां पर आपको रिनेम का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे और आप बैक स्पेसेस को इरेज करके यहाँ पर कौन लिखोगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हम जब कौन लिखते हैं तो क्या होता है। तो हमने दबाया CON, तो हम यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो देखेंगे कि ये कौन नाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड, यानी उसका कहने का मतलब सीधा सा है कि कंप्यूटर कौन नाम के नेम को सिलेक्ट नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब बात ये आती है कि क्या हम कौन नाम का फोल्डर बना भी सकते हैं या नहीं। तो हमारे पास एक ट्रिक है जिसका यूज करके आप कौन नाम का फोल्डर अपने कंप्यूटर में बना सकते हो। तो अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम फोल्डर को रीनेम करेंगे। राइट क्लिक करके ऑप्शन पर जाएंगे रिनेम के, तो यहाँ पर हम जब नाम डाल रहे होंगे तो अब की बार हमें क्या करना है, हम कौन नहीं लिखेंगे पहले, उससे पहले हम अल्ट की प्रेस करेंगे और अल्ट की को प्रेस करके रखते हुए हम 255 प्रेस करेंगे। तो हम अल्ट के साथ 255 प्रेस करेंगे और उसके बाद कौन लिख देंगे CON। अब हमारी अल्ट की बटन नहीं दबी है, हमें सिर्फ अल्ट के साथ दबा करके 255 लिखना है, उसके बाद अल्ट को छोड़ देना है और फिर लिखना है CON। तो हम देखेंगे कि हमने CON लिख दिया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एरर जनरेट नहीं होगी और वो कौन नाम के फोल्डर को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि कौन नाम का फोल्डर अभी बन चुका है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आप कौन नाम का फोल्डर बना सकते हो। तो ये एक ट्रिक है क्योंकि बिना इस ट्रिक के कौन नाम का फोल्डर पॉसिबल नहीं है। हम अपने फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं पर CON नहीं रख सकते। तो यहाँ पर एक ट्रिक हमने यूज करी है जिसका यूज करके हमने कौन नाम रख पाए हैं, और वो ट्रिक आप फिर से एक बार बता देते हैं। आपको अल्ट के साथ 255 प्रेस करना है, उसके बाद अल्ट को छोड़ना है, उसके बाद आपको लिखना है CON। तो आप देखोगे कि कौन नाम का फोल्डर आपकी स्क्रीन पर बन चुका होगा। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा, ये एक नई चीज जान करके कि कंप्यूटर में कौन नाम का फोल्डर कैसे बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड जय हिंद।